है वो कहते हैं ना कि जुर्म करना और जुर्म सहना दोनों ही गुनाह। एक्शन किंग विद्युत जमवाल की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 ने काफी कम स्क्रीन में रिलीज होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर कर ली है शानदार कमाई और तोड़ दिए हैं कई सारे रिकॉर्ड, और आने वाले दिनों में यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर डुपर हिट फिल्म भी बन सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा के शुरुआती 2 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और जानेंगे कि फिल्म ने दुनिया भर से कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, और अगर आप भी विद्युत जमवाल के डाई हार्ट फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फारूक कबीर के डायरेक्शन में बनी एक्शन ड्रामा फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2, जिस फिल्म को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छा प्यार मिल रहा है और एक बढ़िया फिल्म होने की वजह से फिल्म के कलेक्शन में पहले दिन से ज्यादा दूसरे दिन का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि खुदा हाफिज चैप्टर 2 के जो रिव्यूज है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, और जो लोग इस फिल्म को देखकर आए सभी ने इस फिल्म की जमकर तारीफ की है और सबका कहना है कि यह फिल्म पहले पार्ट से भी काफी ज्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, अच्छी फिल्म होने की वजह से इस फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उनमें दिन पे दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन दोस्तों, बात करें फिल्म के बजट के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि खुदा हाफिज चैप्टर 2 का टोटल बजट है सिर्फ 20 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों, इतने ज्यादा बजट की फिल्म होने के बावजूद भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा स्क्रीन नहीं दी गई। जी हाँ दोस्तों, यहां पर विद्युत जमवाल ने अच्छी फिल्म बनाई है लेकिन थिएटर वालों की तरफ से फिल्म को कम स्क्रीन और कम शोज दिए गए हैं, क्योंकि ज्यादातर थिएटर वाले इस वक्त थोर फिल्म चला रहे हैं और हमारे देश की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 को बहुत ही कम शोज दिए गए हैं, जिसकी वजह से ही दोस्तों इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतनी कमाई नहीं की जितनी कमाई यह फिल्म डिजर्व करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अर्ली एस्टिमेट आंकड़ों के हिसाब से खुदा हाफिज चैप्टर 2 ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 1,56,00,000 रुपए का किया है, जो कि काफी कम स्क्रीन के हिसाब से बढ़िया कलेक्शन है। पर दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर फिल्म अच्छी होती है तो फिल्म के कलेक्शन अपने आप बढ़ जाते हैं, वैसे ही कुछ हो रहा है खुदा हाफिज चैप्टर 2 के साथ में। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को पहले दिन जहां सिर्फ 1,56,00,000 रुपए इंडिया नेट कलेक्शन मिला था, लेकिन दूसरे दिन इस फिल्म की ऑक्यूपेंसी में एक हल्का सा ग्रोथ आया है। फिल्म के जो मॉर्निंग वाले शोज है वो कल के मुकाबले बेहतर है, साथ ही साथ दूसरे दिन इस फिल्म को इवनिंग और नाइट शोज में भी काफी शानदार बुकिंग मिल चुकी है। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक खुदा हाफिज चैप्टर 2 अपने दूसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 2 करोड़ का कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, खुदा हाफिज चैप्टर 2 का शुरुआती 2 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन हो जाएगा 3,56,00,000 रुपए, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 4,26,00,000 रुपए का। बताना चाहूंगा दोस्तों, 2 दिनों में फिल्म का एस्टिमेट वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन लगभग 5 करोड़ रुपए की रेंज में जा रहा है। तो दोस्तों, एक तरह से देखे जाए तो फिल्म ने 2 दिनों में ठीक कमाई की है, लेकिन कल है संडे यानी कि हॉलीडे, तो कल फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है खुदा हाफिज चैप्टर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा, 50 करोड़, 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा? कमेंट करके जरूर बताएं। और डेली बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट देखने के लिए आपके अपने इस चैनल AKB मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।